जाओ सर अगे, तुम आ जाओ अगे, थोड़ा जहाँ देखो बीच ही मेरे वाले दिखना। पता क्या है ना, कोई 3 मिनट का देना, ज्यादा नहीं करना केक कहते वास्ते। ड्राई करिए थ्रैशिंग, है ना, थ्रैशिंग करिए फिर अपने स्टोरे मरुण जराल, फार्म मैनेजर जम्मू प्रोविंस एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंटल फार्म। आज यहाँ हम डायरेक्टरेट में जो हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्म है JPAP, वहाँ पे खड़े हुए हैं। मेरे साथी भी मेरे साथ ही हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि भिंडी, जिसको हम अकरा क्रॉप बोलते हैं, वो हमने यहाँ पे लगाई हुई है। एरिया कवर्ड उसमें 7 कनाल एरिया है। वो जो ब्रीडर सीडर है, जो ब्रीडर सीड है, उसका हमने चयन यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद ये ब्रीडर सीड है, हम सीड पर्पज़ के लिए लगाते हैं। सीड पर्पज के लगा के ये हमने कोई 9/6/2020 बल्कि लगभग कोई जुलाई के महीने हमने लगाई थी भिंडी, तो जून जुलाई में। तो उसके बाद हम आज देख रहे हैं क्रॉप की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, और एक एक पौध जो है वो 18 से लेके 33 जो नंबर ऑफ फ्रूटिंग है एक प्लांट को हमारी आई है। क्योंकि हमने जहाँ पे काउंट भी किया था, 18 से कोई कम नहीं है, कोई 15 हो सकती है, लेकिन 18 से ऊपर ही है। तो मैक्सिमम जो काउंटिंग नंबर ऑफ फ्रूटिंग जो पर प्लांट ऑकर के हैं, वो 33 नंबर यहाँ पे आए हुए हैं। हम वो भी प्लांट आपको दिखा सकते हैं। ऑन एन एवरेज जो है 15 हम निकाल सकते हैं कि 15 फ्रूटिंग पर प्लांट जो है ऑकर की, वो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसको हमने अब ये हार्वेस्टिंग स्टेज पे आ गया। हम देख रहे हैं कि जैसे हेयर लाइक क्रैक जो हैं वो अपेयर हो रहे हैं हमारे फ्रूटिंग पे। तो जब हेयर लाइक क्रैक अपेयर होंगे तो समझो कि हार्वेस्टिंग स्टेज पे हमारी जो भिंडी की क्रॉप है वो आ गई है। उसको हमने क्या करना है, हार्वेस्टिंग पिकिंग करके, तो उसके बाद हमने इसको ड्राई करके, क्योंकि इसमें सबसे मेन कंपोनेंट होता है कि मॉइस्चर कंटेंट का ध्यान रखना होता है। तो मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो 10% से ज़्यादा नहीं हो, वो 10 से कम नहीं होना चाहिए, वो स्टोरेज के लिए अच्छा रहता है। तो वो हमने इसकी अब ड्राई करके उसको हम फिर थ्रेशिंग करेंगे, फिर उसको विनोइंग फैन से वो सुखाएंगे, वो करके सारा प्रोसेस जो होता है वो हम वेजिटेबल जो स्कीम है वहाँ पे हम ये रफ सीड जो है, जो सीड मेरे साथ ही आप देख रहे हो, अच्छा सीड है, बोल्ड सीड है, हेल्थी सीड है, तो इसको हम उनको प्रोवाइड करवा देंगे, दे देंगे। और ये फिर अभी तो उसमें पैकिंग के रूप में ये हमारे जो जोनल ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे सेल पर्पज़ के लिए जो हमारे किसान भाइयों को ये सीड जाएगा। किसानों का क्या फ़ायदा होता है इसके? किसान भाइयों को ये फ़ायदा होता है कि अगर अच्छी वैरायटी, अच्छा ट्रायल यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन पे लगा हुआ है, अच्छी इसकी फ्रूटिंग हुई है, तो यही चीज़ जब लैब टू फील्ड में जाएगी तो किसान भाइयों को इस वैरायटी का लाभ मिलेगा। ये वैरायटी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये वैरायटी है ओकरा जम्मू 05, जो स्कास्ट शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चट्ठा की तरफ से हमने यहाँ पे ब्रीडर सीड के रूप में लगाई है। तो किसान भाई को इसका यही फायदा कि जब ये अच्छा ट्रायल यहाँ पे लगा होगा तो उसके फील्ड में भी ये अच्छा गुणकारी साबित होगी।